गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर ज्योग्राफी बुक। टुडे वी विल रीड लेसन 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना आश्चर्यजनक लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. जब स्टार्टिंग में आप लोग आसमान में देखते हैं तो आपको सिर्फ एक या दो चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जल्दी ही इन चमकते हुए डॉट्स के नंबर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप उन्हें गिन भी नहीं पाते। पूरा आसमान इन छोटे छोटे चमकीली चीज़ों से भर जाता है। कुछ इसमें बहुत तेज़ चमकते हैं और कुछ थोड़े कम चमकते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा आसमान हीरो से जड़ा हुआ हो और ये चमकीले चीज़ें टिमटिमाते हुए दिखती हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनमें से कुछ टिमटिमाते नहीं हैं, ये सिर्फ चंद्रमा की तरह ही लगातार शाइनिंग करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moonlight or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. इन चमकीली चीज़ों के साथ आप मून को भी देखते हो रोज़, लेकिन हर रोज़ मून अलग अलग टाइम में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजीशंस में निकलता है। आप महीने में सिर्फ एक बार ही पूरा चंद्रमा देख सकते हो और इस रात को पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं और 15 दिन बाद ही आपको चांद नहीं दिखाई देता। इस रात्रि को नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं और अगर ऐसे में आसमान साफ हो तो आप आसमान को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see all these bright objects of the night sky. आपको आश्चर्य नहीं होता कि आप दिन के समय चंद्रमा और इन चमकीली छोटी चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की बहुत तेज़ रोशनी के कारण हमें रात में नज़र आने वाली ये चीज़ें दिन के समय नहीं नज़र आती। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called सेलेस्टियल बॉडीज़। सूर्य, चंद्रमा और जितने भी चमकने वाली चीज़ें हैं आसमान में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों से बने हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे ये बहुत भारी मात्रा में बनाते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं, अर्थात तारे। द सन इज़ अ स्टार, सूर्य भी एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, अगणित चमकते हुए तारे सूर्य के समान ही होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को फील नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी, वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी
फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर होते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस डैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपने देखा होगा जब हम बहुत दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स वेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ एरोप्लेन हमें बहुत छोटा दिखाई देता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. रात को आसमान देखते हुए आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्स जो होते हैं अपने ग्रुप्स के थ्रू बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. इन्हें कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है. कॉन्स्टलेशन मीन्स नक्षत्र मंडल. अरसा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन. अरसा मेजर और बिग बियर ऐसे ही कॉन्स्टलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकोगनाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि. सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स. यह सात तारों का समूह है. डैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अरसा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि अरसा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक बड़ा भाग है. आज समवन एल्डर नियर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई. अपने घर के किसी बड़े फैमिली मेम्बर से या किसी पड़ोसी से पूछिए इन तारों के बारे में, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ग्रह के बारे में और कॉन्स्टलेशंस के बारे में जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने समय में लोग तारों के द्वारा ही दिशा ज्ञान करते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार यानी उत्तरी तारा उत्तरी डायरेक्शन को बताता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसे पोल स्टार ध्रुव तारा भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है आसमान में. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. और हम पोल स्टार का आसानी से पता लगा सकते हैं सप्तऋषि की सहायता से. लुक एट फिगर 1.1. यू विल नोटिस डैट इफ एन इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार. अगर हम सप्तऋषि के द्वारा एक इमेजनरी लाइन बनाते जाएं तो वो लास्ट में जाके पोल स्टार को इंडिकेट करेगी. और इस तरह सप्तऋषि की सहायता से हम पोल स्टार का आसानी से पता लगा सकते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ खगोलीय पिंड का अपनी रोशनी और ऊर्जा नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और ये दूसरों की ऊर्जा से ही काम चलाते हैं और ऐसी बॉडीज को प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स. प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब अर्थ है चारों तरफ घूमना. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वह भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. यह सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है. विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे निकटतम तारा है. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत दूर से देखते हैं, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. तो दूर से देखने पर हमें पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही चमकती दिखाई देती है. द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. मून जो हमें आसमान में दिखाई देता है वह एक सैटेलाइट है. सैटेलाइट मीन्स उपग्रह. इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट लाइक आवर अर्थ. देर आर 8 अदर प्लैनेट्स डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. अर्थ के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा और ये अर्थ का ही सैटेलाइट है. इसी तरह 8 और ग्रह हैं जिनकी अपनी ऊर्जा और रोशनी है, वो भी सन से ही प्राप्त करते हैं
अपनी ऊर्जा और रोशनी. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके अपने चंद्रमा भी हैं. थैंक्स.